आज जो हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं डीनियम अरेबिकम की वैरायटी, उसका नाम है आरसीएन। आरसीएन जो है ये भी थिक कॉडेक्स वाली वैरायटी है डीनियम की, जैसे बाकी सब अरेबिकम भी होते हैं। तो जब मेरे पास ये आया था तो ये इसकी हाइट इतनी नहीं थी, हाइट ज़्यादा बड़ी है वेट की नस्बत। तो मुझे इसकी एक रीज़न ये भी लगती है कि बाकी जो पॉट्स थे, प्लांट्स थे, जो उनमें गुंजाइश थी फिर भी, लेकिन जब ये आया ये ऑलरेडी मुझे लग रहा था काफ़ी रूट बाउंडेड प्लांट था। तो इसने विड्थ से ज़्यादा फिर हाइट निकाली है, क्योंकि ये बाकी सब प्लांट्स थे इस पर लीफी भी ज़्यादा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी हाइट वाइज सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये पॉट जब मेरे पास आया था, प्लांट यानी कि जब मेरे पास आया था, तो इसमें ये प्लांट जो है इतना था, बाकी इसकी हाइट जो है बाद में इंक्रीज हुई है, विड्थ भी नो डाउट इंक्रीज हुई है, साथ में लेटरल ब्रांचेस भी इसकी काफ़ी निकली हैं। तो हम इसकी रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं। मैं इसको भी बिल्कुल बाकी जिस तरह मैंने किए थे उनकी तरह ही इसको भी रिपोर्ट कर लूँगा। इसके ऊपर जो सबके ऊपर ही मल्च किया गया था कोको कॉयर से, तो काफ़ी सारी जो मल्च है वो मेरा उड़ गया, निकल गया जब मैंने वाटरिंग की, क्योंकि मैं इनको ज़रा पाइप से वाटरिंग कर रहा था, जिसकी वजह से इनका मल्च जो है काफ़ी हद तक निकल गया। DHA कल बता ज़रूर है। अच्छा, अब इसकी तरफ देखें और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा थिक रूट्स निकल रही हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी काफ़ी थिक रूट्स हैं। इनमें से कोई रूट भी मुझे डैमेज नहीं करनी और ये प्लांट एज सच ही मैं इसमें लगा दूंगा, ये ऐसे ही चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अब जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये मैंने एक पॉट रखा हुआ है पास, इसमें से जो मैंने पॉटिंग मिक्स बकाया था वो इसमें मैं ऐड करना शुरू कर दूंगा। और वही मेरा जो है इसमें भी वही रहेगा प्लान, कि इसको थोड़ा सा मुझे हाइट में लगाना है, तो मैंने पॉट जितना रखा है लेकिन मुझे मीडियम इतना नहीं रखना, जिसके लिए मैं ये करूँगा कि इसके पानी से इसकी इरोजन करवाता रहूँगा, ताकि एक लिमिटेड अमाउंट जो है ट्रंक की वो एक्सपोज हो सके। किसी ने अगर नैंगा पिंक की पॉटिंग नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो चेक कर लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंजॉयबल है वीडियो। बस इससे ज़्यादा मीडियम मुझे ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर मेरे जो ट्रंक है वो एक्सपोज नहीं होगा और मुझे ट्रंक को थोड़ा एक्सपोज करना है, थोड़ा इसको अब मैं टैप कर लूँगा। इसकी रूट सभी से ही नज़र आने लग गई है अगर आप चेक करें तो, थोड़ा सा और ये सेट होगा, नीचे बैठेगा, रूट्स पर से इसकी इरोजन होगी वाटरिंग की वजह से। अब मैं इसको भी बाकियों की तरह पानी जो है स्प्रे के थ्रू दूंगा, और आप देखिए कैसे इसकी रूट्स जो है एक्सपोज होने लग गई हैं। ये बस सब चेक करें तो ये जो मल्चिंग की हुई थी ना, ये कोको कॉयर से या कोको पीट से, ये थोड़ी स्मॉल साइज के कोको चंक्स लग रहे हैं मुझे, बस यही हैं, बाकी तो आप अगर चेक करें तो ये ऑलमोस्ट एक्सपोज्ड रूट्स हैं यहाँ पर। तो अब आपको ये थोड़ा प्लांट नज़र आना शुरू होगा, तो बस मुझे अभी इसको इतना ही एक्सपोज करना है, क्योंकि मुझे इसको अभी तो कुछ अरसे में जब ये इसमें थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा, थोड़ी रूट्स ज़्यादा डिवेलप कर लेगा, तो इसको फिर मैं इससे भी बड़ा पॉट दे दूँगा, इसमें फिर नए प्लांट्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें काफ़ी पानी ऐड किया है, जो कि टाइम के साथ आप देखिए कितना क्विकली जो है वो ड्रेन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका भी मीडियम बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड और अच्छा बना है। इस तरह यह है कि अगर बारिश ज़्यादा भी हो बिलफर्स से, बस पानी निकलता रहता है और आके एडीनियम को इतना ख़तरा नहीं होता। थोड़ा हाइट पे लगाने का प्लांट एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको कॉडेक्स की जो है हेल्थ का पता चलता रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं किया हाइट पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एडीनियम की जो थिक रूट्स हैं वो रहें, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स लें और मुझे कॉडेक्स जो है जल्दी थिक मिल जाए। मैं अगर इसको बाहर लगा दूंगा तो सिर्फ जो लेटरल रूट्स हैं, जिनको एडवेंटिशियस भी कहते हैं, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेंगी, जो जिनमें सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स को कम एब्जॉर्ब करेंगी। तो मुझे जो है इसका कॉडेक्स फिलहाल थिक चाहिए, तो मैंने आप देखे तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है बाकी सब की तरह इसको भी मैंने जस्ट थोड़ा सा हाइटेड किया है प्लांट को, ताकि मैं इसकी हेल्थ को चेक कर सकूं। फाइनल जो है मैं इसकी लुक को कर रहा हूं इस कैट से।
और हमारा एडीनियम अरेबिकम आरसीएन रिपोर्ट हो चुका है।